नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु अरुणिमा आपण को ओडिया देश रेसीपी रे स्वागत करुची। आज आम रज स्पेशल आम ओडिशार ब्रह्मपुर स्पेशल अति कौलिया आउ अति सुआदिया क्षीर पोड़पिठा तैयारी करिबा। एही पिठा खाइबा को समस्त को भल लागिथाय, विशेष कर छुआ आउ वयस्क लोक माने एही पिठा को पसंद करंती, काहेकि ना ए पिठा बहुत ही कौलिया होइथाय। एहा को मध्ये आपण ट्रैवल करिबा टाइम रे आराम से नेई पारिबे, जहां 2 रु 3 दिन पर्यंत किछि भी खराब होइ नथाय। आशा करुची आपण को रेसीपीटे निहाती भल लगे। भल लगे गोटे लाइक करूँ, आउ आपणकर फ्रेंड्स आउ रिलेटिव सहित सेयार करूँ। आउ जदि मो चैनल रे नुआ, सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन ऑल बटन रे क्लिक करी नियंतु, जहाद्वारा मोर आगक आसुथिबा सबु वीडियो रो नोटिफिकेशन आग करी पाई परिबे। ताहले देरी न करी कि चालंतु आरंभ करिबा आज रो एही रज स्पेशल आउ ओडिसा स्पेशल गोटे ऑथेंटिक रेसीपी खीर पोड़ पिठा। तो प्रथमे देखि नबा इनग्रेडिएंट्स। एठी मु पूरा गोटे कप माने पाखापाखी 200 ग्राम बासुमती अरुआ चावल को पूरा 6 रु 7 घंटा पई बतुरै कि रखि नै थिली। जेति कि अधिक टाइम बतुरै कि रखिबे सेति कि बढ़िया एहारो पेस्ट पूरा स्मूथ होई कि बाटी होइथाय। बासुमती अरुआ चावल बदल रे आपण दोसा इडली बा पिठा बना अरुआ चावल को मध्य नै पारिबे। ता सहित नै जाइछि सेही समान कप रे मापी कि 3/4 कप चीनी। चीनी रा क्वांटिटी को आपण आपणक टेस्ट हिसाब रे एठी कम बेसी करि परिबे। खीर एठी नै जेबा पाखा पाखी 800 ml माने जेति के चावल नेबे तारो 4 गुणा एठी खीर नेबे। आधा कप बा स्पून रे मापिले पाखा पाखी 6 चम्मच मापी कि नडिया रो कोरा को नै जेबा। ता छडा पूरा सरु सरु करि के काटि कि नडिया खंड को एठी नै जाई छी, जहां पिठा रे खाइबा को पाटी को बहुत ही बढ़िया लागि थाए। ता छड़ा किछि काजू फाळ को नै छी आउ किछि किसमिस को मध्ये नै छी। एठी काजू आउ किसमिस ऑप्शनल चाहिले आपण स्किप करि परिबे। 4 रु 5 चम्मच गुआ घी को नबा। 3 रु 4 ग्रीन गुजराती को भल भाबरे छेची के एठी नै जाई छी, जहां बढ़िया बासना हमको दे थाए। आउ अल्प माने 1/4 टीस्पून लूण को नबा। तो प्रथमे आमे बतुरै कि रखिथिबा चावल को 2 रु 3 थर भल भाबरे धोई नै कि एहा को चिक्कण करि कि बाटी नबा। तो सेथि पई गोटे ग्राइंडर जार रे एबे पकेइ नबा बतुरा होइथिबा अरुआ चावल को। आउ एठी खूब कम पानी दे कि बा परे आवश्यक अनुसार पानी दे कि पूरा चिक्कण करि कि बाटी नबा। पानी बदल रे अल्प खीर को दे कि चिक्कण करि कि एहा को बाटी परिबे। तो एठे देखंतु आमर चावल बटा आमर रेडी हो जाई छी, आ पूरा चिक्कण करके बाटी नै छी। गोटे कप चावल बाटीबा को पाखा पाखी मते एठी हाफ कप पानी लागिथिला। तो चावल जंतिबा पूर्वरो प्रथमे आमे जेउ कड़ेई बा जेउ जागा रे पिठा को पोड़ीबा ताको प्रथमे रेडी करनबा। तो एठी मु गोटे नॉन स्टिक रो गोटे मोटा कड़ेई नै छी, जेउ थिरे पिठा खूब आराम से बाहरी जाई थाए। जदि आपणक पाखरे नॉनस्टिक रो कड़े नाही, ताहाले घरे थिबा जे कोनोसी लोहा किंबा सिल्वर रो कड़े एठी नै पारिबे। आउ जदि मोटा कड़े नाही, ताहाले गैस उपरे गोटे तावा रखी कि कड़े को ता उपरे बसेई पारिबे। लोहा बा सिल्वर कड़े रे जदि कदळी पत्र देई कि पिठा को पोड़िबे, ताहाले मध्ये पिठा खूब आराम से कड़े रु बाहरी जाय थाए। तो एबे कड़े को रेडी करनबा। तो सेथि पई पकेइ नबा 2 चम्मच घीओ, आउ घीओ को कड़ेर चारि पटरे भल भाबरे लगेइ नबा। घीओ नबा द्वारा पिठार बासना बहुत ही बढ़िया लागि थाए। जदि पसंद नाही ताहाले रिफाइन तेल को एठी नै परिबे। तो कड़ेइ आमर रेडी, चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। तो एबे गोटे कड़ेइ आनिबा आउ गरम हवा को बसेइ नबा। कड़ेइ गरम होइ गले फ्लेम को पूरा लो कर नबा, आउ सेथिरे पकेइ नबा 2 चम्मच घीओ को। तो एबे से ही गरम घी रे एही काजू आउ किसमिस को पकेइ नबा, आउ लो फ्लेम रे हल्का भाजी नबा। तो किछि समय परे एठी देखंतु ड्राई फ्रूट्स हल्का हमर भाजी होई सारलानी। तो एबे सेथिरे पकेइ नबा खीर को, आउ एहा को टिके समय पई फुटिबा को छाडी दबा। तो खीर को मझिरे मझिरे कड़ेइ रो चारि पटरो गोळी नउथबे, जेमिति कि कड़ेइ रे लागि न जाय। तो एठी देखंतु खीर हमर फुटिया सारलानी। तो एही स्टेज रे पकेइ नबा चीनी, अल्प लूण आउ गुजराती रो गुंड को। तो एबे पूरा चीनी मेल्ट हबा पर्यंत एहा को भल भाबरे मिसेइ नबा। पिठा आइटम रे हल्का लूण पड़िले एहार टेस्ट बहुत ही भल लागि थाए। तो पाखा पाखी गोटे मिनट पर एठी देखंतु चीनी हमर भल भाबरे खीर रे मिसी सालानी। तो एही स्टेज रे पकेइ नबा कोरा नडिया आउ काटी के रखिथिबा खंड नडिया को। नड़िया एठी चेष्टा करिवे फ्रेश आउ कौलिया नड़िया नबा को, जहां खाइबा को बहुत ही भल लागि थाए। तो एबे एहा को टिके फुटिबा को छाडी दबा। त
तो आमर क्षीर भल भाव फुटिगला स्टेज रे चाउल बटा को आम पकईने आ पकवा पूर्व चाउल बटा को भल भाव स्पून रे टिके गोले नबा आउ गैस रो फ्लेम को एबे पूरा लो करी चाउल बटा को पकईने तो पकेला बेले गोटे हाथ में आपड़ चाउल बटा को पकाउथिबे आउ आर हाथ में डंकी को क्षीर रे गोळउथिबे तो कंटिन्यूअसली एबे चाउल बटा को लो फ्लेम रे क्षीर रे मिसे नबा तो धीरे धीरे देखिबे चाउल आमर बहलिया हबारे लागिवो कंटिन्यूअसली लो फ्लेम रे गोळीबा द्वारा चाउल जंतणी बिंडा बिंडा होइ न थाए आउ भल भाबरे चाउल आमर सिजि थाए जा द्वारा पिठा सहज रे आमको हजम होइ थाए पेट खराब होइ न थाए। तो पाखापाखि 3-4 मिनिट एमती लो फ्लेम रे जंती सल्ला परे देखंतु एमती जंतणी रो मोटा आमर रहिबा दरकार पूरा मोटा जंतणी नुहे कि पूरा पतला भी नुहे आउ एठी देखंतु आमर जंतणी भी कोड़े रु बाहरी बारे लागलानी तो एही स्टेज रे फ्लेम को एबे बंद कर दबा आउ नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा तो एबे फ्लेम को लो करनबा आउ बसै नबा आमर आगुरु घी रे मारिकि रखिथिबा कोड़े को तो एबे आमर सबु चाउल जंतणी को एही कोड़े रे पकै नबा तो पकई सारा परे एबे गोटे पातिया द्वारा ऊपर लेयर को भल भाव समान भाव साइज कर नबा तो एबे हाथ पापुली रे अल्प पानी हाथ होइके चारि पट को सेव कर नबा केयरफुली करिवे जंतणी आमर गरम अछि तो बारंबार हाथ को पानी रे बुड़ेकी सेव करि नउथिबे तो एबे एहा उपरे गोटे चामच घी को पकईकी चारि पट को स्प्रेड कर नबा जा द्वारा पिठा बढ़िया गोटे साइनी टेक्सचर आसीबो आउ बासना भी बहुत ही बढ़िया आसीबो तो एबे एहा को कवर कर नबा आउ फ्लेम को पूरा लो करिके पाखा पाखी 20 रु 25 मिनिट पई पोड़ीबा को छाड़ी दबा तो एठी पाखा पाखी 20 मिनिट परे एबे मु चेक करि नउची तो हल्का गोल्डन कलर चारि पटरु आसी गलानी तो आउ टिके अधिक कलर आनिबा को आउ 5 मिनिट पई पोड़ीबा को एठी छाड़ी दउची तो पूरा पाखा पाखी 25 मिनिट परे एठी देखंतु आम पिठा बढ़िया भाबरे चारि पटरु पोड़ी गलानी तो एबे फ्लेम को बंद करनबा आउ एही पिठा को खोला करिकी पूरा थंडा हबा को छाड़ी दबा तो एठी देखंतु पिठा आमर पूरा थंडा होई सारलानी आउ चारि पटरु मध्य आराम से बाहरी आसी सारलानी तो एबे कोन करिबा ना गोटे प्लेट आनिबा आउ एही कड़े उपरे रखिकी एही पिठा को आरो पट को लेउटे दबा तो एठी देखंतु पिठा केते बढ़िया आराम से कड़े रु बाहरी आसुची आउ केते बढ़िया भी देखा जाउची आउ केते भी सॉफ्ट होईची तो आपण चाहिले एमिति मध्य एही पिठा को खाई परिबे किंतु मु एठी दुई पट साइड को टिके पोड़ी नेबी तो सेथिपाई पिठा को प्लेट द्वारा किंबा केयरफुली हाथ द्वारा आरो पट को एमती लेउटे नेबे पिठा पूरा थंडा होइथिले हि एहा को आराम से लेउटे परिबे किंतु पिठा टिके भी गरम थिबो ताहाले पिठा आपणकर भांगी जिवो तो एबे एहा को पूर्णि थरे फ्लेम को लो करिकी घोड़े की आउ 10 मिनिट पई बसे नबा तो 10 मिनिट परे कवर को एबे खोली नबा आउ पूरा थंडा हबा को पिठा को छाड़ी दबा तो एबे पिठा पूरा थंडा होई सारछि तो पिठा को एबे आराम से सेम प्रोसेस रे आउ गोटे प्लेट द्वारा आरो पट साइड को लेउटे दबा तो देखि पाउथिबे पिठा दुई पट साइड हमर भल भाबरे पोड़ी जाइछि तो एबे एहा को आउ गोटे प्लेट आनी के पूर्णी थरे एहा को लेउटे दबा तो आमर अति सुवादिया अति कणिया खीर पोड़ पिठा पूरा रेडी तो एठी देखि पार्थिबे केते सुंदर आउ परफेक्ट ब्राउन कलर होइछि आमर खीर पोड़ पिठा एमिति कलर निहाती हवा दरकार बढ़िया पूरा गुजराती रो बासना भी आसुची काटिबा टाइम रे भी देखि पार्थिबे केते कोंलिया होइछि आमर पिठा तो एठी गोटे पीस पाखरु आनी के देखौछि तो देखंतु पूरा कोंलिया होइछि आउ बढ़िया भी देखा जाउछि ऊपर साइनी भीतर सॉफ्ट जहाँ खाइला बेले पूरा पार्टी रे मिले जाइथाय तो बहुत ही बढ़िया होइतिला मोर एही खीर पोड़ पिठा मोर तो बहुत ही पसंद एही सुपर सॉफ्ट खीर पोड़ पिठा आपण भी एमिति प्रोसेस रे थरे तैयारी करंतु रज हेउ बा एमिति जे कोनोसी दिन रे ट्राई करंतु आउ केमिति हैला मते निश्चय कमेंट करके जणंतु भल लागितिले गोटे लाइक करके मते एबे विदाय दियंतु ताहाले दर्शक बंधु आज पई एतिकी रहुची नमस्कार देखा हबा पुणी आउ गोटे रेसिपी रे थैंक यू डू सब्सक्राइब Like and share.